भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज किसानों ने बड़वानी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया, जिसमें किसानों का कहना है कि जिले में 70% फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों का जहां कर्ज माफ आधा हुआ है तो कांग्रेस भाजपा के चक्कर में डिफाल्टर भी हो गए हैं। इसमें किसान का क्या दोष, सरकार चाहे भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस की, आधे किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं तो बचे हुए किसानों का भी कर्ज माफ हो। साथ ही बर्बाद फसलों को लेकर आज तक सर्वे नहीं किया गया, जिसे जल्द पूरा कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों के धरने की सूचना के बाद राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और सांसद गजेंद्र पटेल किसानों के पास पहुँचे, जहाँ किसानों में उनकी मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि किसानों की विभिन्न मांगे हैं, जिसमें कुछ जिला स्तर की है तो कुछ प्रदेश स्तर की मांग है। ऐसे बिंदु भी हैं जिनका हल केंद्र स्तर से होना है, क्योंकि किसान हमारे हैं, प्रदेश और देश में हमारी सरकार है, इसलिए सारी मांगों को अपने स्तर तक ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने किसानों के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि किसान खुश रहे, इस बात की चिंता सरकार को है। पिछले 6 सालों में लगातार केंद्र सरकार भी किसानों को लेकर योजनाओं में सुधार कर रही है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मंडी में राठौर। राठौर जी, किस लिए आंदोलन कर रहे हो आप लोग? किसानों की मांग ये है कि जो सिंचाई खरीदी होना चाहिए टाइम पे, वो बहुत लेट होती है मार्च अप्रैल के बाद, जबकि किसानों के पास कपास की आवक अभी शुरू हो गई, तो जल्दी से खरीदी चालू हो कपास की। और पंजीयन, जैसे मक्का के पंजीयन कोई किसान छूट गए, उनका पंजीयन होना चाहिए, पंजीयन हो नहीं रहा है। और फसलें जो ख़राब हुई है, मिर्ची मक्का, उनका सर्वे होकर उनको मुआवजा तत्काल दिया जा सके गवर्नमेंट द्वारा। क्या करोगे अभी आप लोग? हम अभी बैठे हैं जब तक हमारे टाइम हो जाए, ज्ञापन देंगे। कब तक बैठोगे? 4 बजे तक। इसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती या निराकरण नहीं होता तो आप लोग क्या करोगे? हम फिर एक बार और बैठक करेंगे, उसके बाद में मांगे नहीं पूरी समय तो हम आंदोलन कर सकते हैं। मेरा नाम श्याम कछावा है, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। कछावा जी, किस तरीके का आंदोलन कर रहा है? हमारा आंदोलन है कि पूर्व में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके थे कि जो जिले में 70% फसलें खराब हुई है, लेकिन आज तक ना तो उसका सर्वे हुआ ना तो किसानों को मुआवजा मिला है। जैसे मिर्ची की फसल भी पूर्ण रूप से खराब हो गई, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। और हमारी जो मांग है सीसीआई खरीदी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और जो सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख रुपये माफ़ करेंगे, कुछ लोगों का हो गया वादा अधूरा, जो 2 लाख रुपये माफ़ नहीं हुए, ये मांगों को लेकर हमारा एक दिवसीय भारतीय किसान संघ का धरना है। जैसे कांग्रेस सरकार ने वादा किया था 2 लाख रुपए माफ़ होंगे, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, क्या कहोगे इसको ले? लेकिन सरकार के बीच में किसानों की ये स्थिति है कि बहुत सारे किसान डिफाल्टर हो गए इनके बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में। हम ये चाहते हैं कि 50% किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 50% लोगों का क्या दोष है? इसलिए हम चाहते हैं कि भले कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो कांग्रेस, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। हमारा क्षेत्र के यहाँ पर किसान संघ के साथ में किसान के लोग धरने पर बैठे हैं, और ये किसानों की जो मांग है उस मांग को लेकर मेरे साथ राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी और मैं खुद चलकर यहाँ पर हम किसान भाइयों से मिलने आए हैं। और ये किसान भी हमारे हैं और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, देश में और दुनिया में हमारी सरकार है। जो किसानों को लेकर विषय और बिंदु आए हैं उसको लेकर एक उन्होंने ज्ञापन हमें दिया है। कुछ विषय राज्य सरकार के हैं, कुछ विषय केंद्र सरकार के हैं और कुछ लोकल के विषय हैं। और किसान खुश रहे इसके लिए सरकार निरंतर काम भी कर रही है, और इसलिए आपने देखा है कि पिछले दिनों में राज्यसभा और लोकसभा में देश की सरकार ने कृषि संशोधन विधेयक लेकर आई, और किसानों को उनका मूल्य मिले और एक MSP फसलों की तय हो उसका निर्धारण करने का काम भारत की सरकार ने किया है। उसमें कई मापदंड है किसानों को लेकर, वो धीरे धीरे कुछ महीनों में उसका असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी सरकार और केंद्र की सरकार भी किसानों को लेकर चिंतित है और काम कर रही है। विगत कई वर्षों की सरकार ने किसानों को लेकर कोई भी विधेयक नहीं लाई, और भाजपा की सरकार जो विधेयक लेकर आई, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर कहीं ना कहीं कठिनाइयों का दौर है, और इसलिए उसको लेकर किसान संघ ने हमें ज्ञापन दिया है। मैं और सुमेर भाई मिलकर जो बातें जिला प्रशासन से हो सकती है वो जिला प्रशासन से बात करके हल कराएंगे, जो राज्य सरकार से हो सकती है वो राज्य सरकार से, और जो केंद्र के विषय है वो उस केंद्र के विषय को हम दोनों भाई लोग मिलकर तय करेंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार किसानों के साथ में है। अभी समस्याओं को हल करने का क्रम शुरू हो गया,
विगत 6 वर्षों में किसानों के लिए कई योजनाओं का काम करना शुरू भी किया, और जो बातें आएगी उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए उसमें उठ कर हम लोग किसान भाइयों से मिलने आए हैं। निश्चित तौर पर कहीं के रास्ता निकालेंगे और इसको लाभ। भैया किसानों का कहना है कि कांग्रेस ने 2 लाख का आधा कर्ज माफ़ किया है, आधा कर्ज बचा हुआ है वो भाजपा सरकार माफ़ करें, ऐसी कोई रणनीति बनाई जाएगी? मुझे लगता है कि पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारा कांग्रेस का कहना साफ और किसानों का कर्जा माफ़, और उसमें कोई उन्हें मापदंड तय नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे अगर हमें सरकार बनेगी तो, और किसानों ने विश्वास से उनको वोट भी दिए और उनको बहुमत देकर सरकार चलाने का उनका स्थापित भी किया। और कमलनाथ जी ने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, मुझे लगता है कि उनको 15 महीने प्रदेश में किसानों ने सरकार चलाने का अवसर दिया, परंतु उनके ही दल के विधायक जो उनको लग गया कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हैं, कई जगह 10,000 माफ़ कर रहे हैं, कई जगह 15,000 माफ़ कर रहे हैं, उनने कभी ऐसा तय नहीं किया था कि मापदंड तय करेंगे। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज जी और केंद्र के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हमने अगर प्रधानमंत्री आवास कुटीर योजना में नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास में और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो सीधा उनके खाते में जा रहा है, उसमें कोई देरी नहीं लग रही। परंतु राज्य की वो कांग्रेसी सरकार जिसने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, मध्य प्रदेश का एक भी किसान ऐसा नहीं जिसका 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ, जबकि 15 महीने तक यहाँ पर सरकार उनकी चली है। निश्चित तौर पर वो भ्रम पैदा करने का काम अभी भी कर रहे हैं, उनको जनता ने सपोर्ट किया, उनको उनके विधायक जीते, उनकी सरकार बनी, फिर भी हमारे किसानों साथ धोखा हुआ है, और धोखे को कांग्रेस के विधायकों ने पहचाना और उनसे असंतुष्ट होकर उनसे इस्तीफा दिया और उनकी सरकार को गिराया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।